आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल काफी बढ़ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने अखिलेश को एयरपोर्ट पर रोकने के मामले में बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। प्रमोद तिवारी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को प्रयागराज न जाने देने की घटना भाजपा सरकार के तानाशाह रवैये को दर्शाती है। पिछले दिनों जब योगी आदित्यनाथ को पश्चिम बंगाल में जाने से रोका गया था तो पूरी भाजपा बौखला गई थी। अब वह खुद वही काम कर रहे हैं जिनका उन्होंने पिछले दिनों विरोध किया था। चुनाव हुई, मोहन लालगंज हुई और लखनऊ इन वेटिंग है, मेरे ख्याल से अब तक वो हो गए होंगे। वहाँ दो तीन चीजें संगठन के बारे में, कार्यकर्ताओं के बारे में, विस्तार से कैसे कांग्रेस मजबूत किया जाए, इसके बारे में प्रियंका जी भरपूर टाइम दे रहे हैं। और जो लोग वहाँ से निकल रहे हैं आप बात कर लीजिए, वो पूरी तरह संतुष्ट निकल रहे हैं। कोई कुछ बात कहना चाहता है तो उसकी पूरी बात सुन रही है। देखिए, बंगाल में अभी हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कह रहे थे कि उन्हें नहीं जाने दिया, कितना बुरा लगा होगा। और आज वही वहाँ अगर कह रहे थे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, यहाँ तानाशाही है, क्या यहाँ अपने लिए भी उस बात को कहेंगे कि मैंने नहीं जाने दिया? वहाँ तो वो पॉलिटिकल काम में जा रहे थे, यहाँ तो अखिलेश यादव जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ को संबोधित करने जा रहे थे। और छात्र संघ हमेशा, मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हूँ, हमेशा विपक्ष के बड़े बड़े नेता आते रहे, तो मैं तो समझता हूँ वहाँ उन्हें मना नहीं करना चाहिए। दूसरा, वो तो आमंत्रण दे रहे हैं सबको, भाजपा की सरकार, कि आओ संगम में डुबकी लगाओ, पानी बहुत साफ हो गया है। तो अगर वो डुबकी लगाने जा रहे थे तो उनको डुबकी लगाने से क्यों रोका? क्या ये भी अब तय कर लेंगे उसमें सिर्फ भाजपा का पाप धोया जाए?